तराना के ग्राम दुबली में लापता हुए बच्चे की लाश कुएं में तैरती हुई मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तराना के ग्राम दुबली में कुएं में बच्चे का शव मिला है। यह बालक दो दिन पहले तराना घर से निकला था। गुरुवार सुबह उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी हुई है। मृतक का नाम अर्पित पिता प्रकाश मालवी है। शव को कुएं से निकालकर तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये अर्पित है, अर्पित पिता प्रकाश जी गांव दुबली का निवासी है। ये सोमवार मंगलवार से मतलब घर से कहीं लापता हो गया था, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कल जी। उसके बाद से लापता था, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई उसके हिसाब से तो नहीं करी, हमको कोई पता भी नहीं चला। लेकिन सुबह एक गाँव वाले का हमारे राष्ट्र का ही जी हाँ हुआ है, उस वहाँ पे वो उसके खेत पे गया था, तो उसने कुएं में झाँका उसकी मोटर वोटर चालू करने के लिए, उसकी उसकी बॉडी देखी तैरते हुए, तो फिर उसने खबर करी क्योंकि गांव में फैल गई थी बात कि वो लड़का दो दिन से लापता है जी हाँ। तो फिर उसने घर सूचना करी, तो वहाँ से घर सब लोग गांव के आकर देखे हम लोगों ने, तो फिर वो ही निकला। तो फिर पुलिस को कन्फर्म खबर करी, पुलिस आई, फिर पंचनामा बनाया और अभी पीएम के लिए लाए हैं अस्पताल, तरना हॉस्पिटल में अभी पीएम के लिए लाए हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये जो लाश मिली है ये शायद हाथ पांव बंदी भी बता रहे हैं गांव में, ऐसा हुआ है क्या? बंदी भी थी ये लाश? हाँ, मैं भी मौके पर वहीं था। वो उसको एक्चुअल में कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, उसने कपड़े भी निकले हुए थे और हाथ में रस्सी भी बंधी हुई थी उसके, मुँह में भी लगी हुई है उसके घाव जैसा लग रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है किसी ने इसको मार के फेंका हो कुएं में।